नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है, जिसके बाद अब चुनाव का आयोजन 24 सितंबर से शुरू होने वाला है, जिसके बाद पंचायत चुनाव को लेकर बिहार में तैयारियों का दौर भी तेज हो गया है। इन सबके बीच अब पंचायत चुनाव को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई है, जो कि जनसभा से संबंधित है। राज्य निर्वाचन आयोग की माने तो पंचायत चुनाव को लेकर बिहार भर में जनसभा का आयोजन तो करवाया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर इसकी रोक रहेगी। आयोग की माने तो ये वैसे इलाके हैं जो सीमांचल के आसपास के हैं। ये वो इलाके हैं जो इंडो नेपाल और बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास के हैं। जानकारों की माने तो राज्य निर्वाचन आयोग का यह फैसला सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर लिया गया है। इस बाबत आयोग ने हाल ही में एटीएस के एडीजी से भी बातचीत की है। एटीएस के एडीजी रविंद्रन शंकर ने पूर्णिया रेंज के आईजी और पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज के पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिया है कि सीमा से सटे इलाकों में चुनावी सभा की इजाजत किसी भी कीमत पर ना दी जाए। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एटीएस के एडीजी ने आईजी को भी यह साफ निर्देश जारी किया है कि वो सीमा से सटे इलाकों में बॉर्डर मीटिंग का आयोजन करवाए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सीमा से सटे इलाकों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को अभी से ही ऐतिहासिक कदम उठाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। बीएसएफ तैयारियों में जुटा है कि कहीं पंचायत चुनाव के दौरान भीड़भाड़ का फायदा कोई असामाजिक तत्व ना उठा ले। चूंकि चुनाव के दौरान कई सारी कैजुअलिटीज का अंदाजा रहता है, ऐसे में सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की यही कोशिश है कि पंचायत चुनाव के दौरान किसी को भी मौके का फायदा उठाने का मौका ना मिले। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा बिहार में की गई है। हालांकि एसएसपी के डीआईजी एसके सारंगी की माने तो संदिग्धों पर लगातार चुनाव के मद्देनजर नजर रखी जा रही है और सीमाई इलाकों में शक्ति बढ़ा दी गई है। महिला जवानों को भी बॉर्डर वाले इलाकों पर गश्त करने के लिए ड्यूटी में लगा दिया गया है। साथ ही सीमांचल के आसपास के सभी 4 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को इस बाबत कार्रवाई के लिए कहा गया है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव के आयोजन को लेकर तैयारियां भी तेज है, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए चुनाव के आयोजन की तैयारियां कर चुका है। चूंकि वर्तमान समय में बिहार कोरोना और बाढ़ की दोहरी मार का सामना कर रहा है, ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग की यही कोशिश है कि पंचायत चुनाव का आयोजन करवाकर किसी भी तरह गांव की सरकार बनाई जाए। क्योंकि चुनाव के अभाव के कारण ही गांव की सरकार फिलहाल परामर्शी समिति के हाथ में है, ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग की यही कोशिश है कि पंचायत चुनाव का आयोजन इस बार समय पर करवा लिया जाए तो गांव की स्थिर सरकार बनाई जा सके। हालांकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर और बाढ़ के माहौल में पंचायत चुनाव का आयोजन राज्य निर्वाचन आयोग कैसे करवाता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बहरहाल अभी सबकी निगाहें चुनाव के आयोजन पर ही है। जहां चुनाव का हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों में उत्साह है, तो वहीं मतदान में शामिल होने वाले लोग भी अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए उत्सुक है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।